अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं फिर से ज़ोहर से स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको जो वीडियो मैंने आपके साथ अपलोड करी थी इससे पहले, तो वो मैंने जहाँ से काम छोड़ा था मैं वहीं से आपको फिर से दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ से काम शुरू किया। तो सबसे पहले मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ, और मेरे साथ साथ अम्मी भी नमाज़ पढ़ रही है फ्रेंड्स, और सभी को भी नमाज़ पढ़नी चाहिए। आप लोग सब लोग नमाज़ पढ़िए, नमाज़ हर मुसीबत का हल है जो कि हमें अल्लाह तक पहुंचाता है। तो प्लीज़ आप लोग नमाज़ ज़रूर पढ़ें, नमाज़ में कोई भी किसी भी तरह की कोताही ना करें, नमाज़ को पढ़ें, दुआएं मांगें, अपने लिए मांगें, अपनों के लिए मांगें, और प्लीज़ मुझे भी याद रखें अपनी दुआओं में। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद ना, फिर मैंने जो मेहंदी रखी थी गोल के, मैंने वो सोचा कि ये लगा लेते हैं। तो ये मेरे पास मेहंदी वाले ग्लव्स हैं फ्रेंड्स, ये पहन के मैं मेहंदी को लगाती हूँ। तो चलिए आइए, कैसे लगाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे मिरर के सामने खड़ी जाती हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से दिखता है ना कि कहाँ पे लगाना है मुझे अच्छे से। वैसे तो बहुत ही अच्छे से मेहंदी लग जाती है, क्योंकि मेरे बहुत बड़े बाल नहीं हैं, थोड़े छोटे बाल हैं ना, तो बहुत आराम से मैं लगा लेती हूँ। लेकिन ग्लव्स पहनने से क्या होता है, हाथ बिल्कुल ख़राब नहीं होते फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मेहंदी लग जाती है, और मैं हमेशा अपने आप लगा लेती हूँ, किसी से लगवाती नहीं हूँ मेहंदी। तो बस ये लग के तैयार हो गई, ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने लगा ली है, और मैं अब ना ग्लव्स को भी अच्छे से वॉश कर लूँगी। देखिए ग्लव्स मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे, और इसे ना रखने का तरीका ये फ्रेंड्स, देखिए मैं इसमें टेलकम पाउडर डाल के रखती हूँ ताकि ये ग्लव्स हमारे ख़राब ना हो। तो ये मैंने अच्छे से पानी इसका ड्राई कर दिया, और इसके बाद ना मैंने अच्छे से पाउडर भी इसमें लगा दिया है, और ये रख देंगे थोड़ी देर के लिए इसके मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए, और इसके बाद इसे रख देंगे। तो ये काफ़ी दिन तक चल जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत दिन तक मेरे पास चलते हैं। ये मेहंदी बच गई थी, इसे उठा के रख देंगे, फिर इंशाल्लाह कभी लगाना होगा तो लगा भी सकते हैं, फ्रिज में रख देंगे। इधर मैंने आपको बताया था ना, मैं खाना बना रही हूँ, कहीं मुझे भेजना है, तो इसलिए पाए की तैयारी हो रही है, और पाए मेरे उबल के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल रेडी हैं, और सारी तैयारी हो गई है। जिंजर गार्लिक अनियन का पेस्ट है, रेडी है, प्याज भी मैंने काट लिया है। इधर गरी खसखस का मैंने पेस्ट बना लिया, गरी यानी नारियल का पेस्ट बना लिया, और खसखस होती है ना उसका पेस्ट बना लिया। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट ना मैं अनियन के पेस्ट में मिला रही हूँ, और मुझे चिकन का कोरमा भी बनाना है, तो उसकी भी मैं तैयारी करती जा रही हूँ। मैं सारी चीज़ों की तैयारी करती जाऊँगी, सारा खाना एक साथ बनाऊँगी फ्रेंड्स, आज बहुत मज़ा आने वाला है। और फुल डे मतलब पूरा दिन हो जाएगा ना, कुकिंग का ही निकल जाएगा, फुल डे मैंने करी कुकिंग आज। तो आज ना बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स काम है, और ये जब मैं खाने बनाती हूँ इस टाइम मेरे पास कोई नहीं आता है। अम्मी को मैं बुला भी लेती हूँ बीच बीच में एक दो बार, लेकिन कोई आता नहीं है। सारी जिम्मेदारी जो होती है ना इन खानों की, तो वो मेरे ऊपर ही होती है। फ़िलहाल तो सना नहीं है, तो मैं अकेली ही सारे काम कर रही हूँ। तो इस ना पेस्ट में जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया था, और धनिया मिर्चा हल्दी और नमक, तीन चीज़ों चार चीज़ों को मैंने इसमें ही मिक्स कर दिया है, यानी अनियन और जिंजर गार्लिक के पेस्ट में। इधर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला निकाला है, जितनी आपके पास क्वांटिटी हो उस हिसाब से गरम मसाला निकाल सकते हैं, वो निकाला है मैंने। और फिर मैं क्या करूँगा, तेल मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, खूब अच्छा तेल जब गरम हो जाए तो इसके बाद ना प्याज ऐड कर देंगे और गरम मसाला ऐड कर देंगे। काली मिर्ची को मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि काली मिर्ची फिर तेल से निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी फ्रेंड्स, और मुझे ना प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है, और इसके बाद पूरे प्याज को मैं बाहर निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, कितने लोग हैं जिन्हें पाए बनाने आते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो पाए नहीं बनाना जानते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़। तो बस ये देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, इसे निकाल लेंगे, और ये कब ऐड करना है ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। और इसके बाद ना जिंजर गार्लिक अनियन और धनिया मिर्चा हल्दी नमक सारी चीज़ों को मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और बढ़िया तरीके से इसे भून लूँगी, क्योंकि मसाले को भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पाए को बहुत देर तक पकाना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि पाए ऑलरेडी हमारे गले हुए हैं यानी कुक्ड हैं। और इसके बाद ना मैं अच्छे से इसे भुनने के लिए रख दूंगी। और इधर हमारे पास है चिकन, मैं चिकन का कोरमा बनाने वाली हूँ बिल्कुल न्यू स्टाइल से, तो बस वो बनाएंगे। इसके लिए मैंने ऑयल रख दिया है, ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। और उधर ना चिकन को मैंने कलर होने के लिए रख दिया था, वो थोड़ा सा कलर ऐड करके वो मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया मैंने बस इसमें, और ये अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इस प्याज को भी मैं निकाल लूँगी, ये देखिए सारे प्याज को अच्छे से निकाल लेना है, और इसका गरम मसाला भी निकाल लेंगे फ्रेंड्स। और अब ना इसी जो ये तेल जो हमारा बचा हुआ रखा है ना, इसी में हम क्या करेंगे, चिकन को ऐड करेंगे। तो चिकन ना देखिए मैंने इसमें कलर लगाया, फूड कलर, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। सना बहुत लगाती है ये वाला, तो मैंने सोचा इस बार सना की याद में लगा देते हैं।
तो बस चिकन में अच्छे से लगा दिया मैंने कलर, इसके बाद ना फ्राई करेंगे। सना को ये वाला चिकन बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और मैंने उसे बना के खिलाया था तो उसे भी बहुत अच्छा लगा था। इधर क्या हुआ, मसाला मेरा अच्छे से भुन चुका है पाए का, तो मैंने इसमें डाल दिया गरी और खसखस का जो पेस्ट बना रखा था ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़े पानी के साथ। और इधर ना मैंने ऐड कर दिया दही, और बस अच्छे से फिर से इसे भूनेंगे। जितना अच्छा मसाला हमारा भुनेगा पाए उतने ही अच्छे बनेंगे, क्योंकि पाए बहुत देर तक नहीं पकते हैं फ्रेंड्स, मैं फिर आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो बॉयल हैं पहले से इसलिए। तो अच्छे से मसाला हमारा भुन गया है, आप देख सकते हैं। ये मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, तो वो दही के थोड़े थोड़े टुकड़े थे, वो मुझसे थोड़ा दही गिर गया था तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा सा था टुकड़े ऐसे। तो खैर कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इसमें क्या करेंगे, यखनी डाल दी हमने, जो यखनी का पानी जो होता है ना, जो पाए बॉयल होते हैं तो उसका पानी जो होता है ना, वो इसमें ऐड कर दिया। और इधर हम डाल देंगे अपने बॉयल पाए। बहुत अच्छे से कुक थे तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छे से पके हैं, बहुत अच्छे। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मुझे इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी। बस पानी इसमें थोड़ा सा ही जाएगा फ्रेंड्स, और इस पॉइंट में आप नमक को भी टेस्ट कर सकते हैं, नमक कम या कम हो तो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस इसे कवर कर देंगे और चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स, तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसके साथ भी इसे भूनेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि नमक। तो सबसे पहले इसमें नमक ऐड कर देंगे, खड़े गरम मसालों में सिर्फ तेज पत्ता इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि बाकी चीज़ों को मैंने तो फ्राई करके निकाल लिया है, इसलिए बाकी चीज़ें इसमें नहीं ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आँच हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया ताकि मसाला बहुत अच्छे से भुन जाए। और धनिया पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने 2-4 मिनट और इसे भून लिया मसालों के साथ। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरी खसखस का पेस्ट, इसके लिए भी मैंने बनाया था, तो ये इसमें चला जाएगा। और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और भून लेंगे। थोड़ा सा दही भी फ्रेंड्स इसमें ऐड कर देंगे, चिकन में दही भी जाता है तो चिकन का फ्लेवर जो है ना वो चेंज हो जाता है बिल्कुल दही ऐड करने से, तो दही इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया और इसे कवर करके रख देंगे। इधर मैं फिर आ गई हूँ और पाए को रखते हैं साइड में, और अब बनाएंगे मटर पुलाव। मटर है मेरे पास, देखिए मैं इसे बॉयल करने के लिए रख दे रही हूँ। ग्रीन वेली है ये हमारे पास, फ्रोज़न मटर है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले सबसे पहले ऑयल डाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं, तो मैं पूरा ऑयल का कंटेनर उठा रही हूँ ऊपर। तो जल्दी से मैंने क्या करा, थोड़ा सा गरम मसाला भी निकाल लिया, तो सिया ज़ीरा मैं इसमें ऐड करूँगी, जो शाह ज़ीरा बोलते हैं ना वही है प्याज में, वो मैं शामिल करूँगी इसमें। तो मैं अभी आपको सब दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करी हैं। और इधर ना मेरे पास है मटर, ये देखिए, और इसे मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और ये यहाँ पे रखती हूँ कैमरा, और यहाँ से मैं शूट करूँगी। इसके बाद ना सबसे पहले तेल में डाल देंगे प्याज, प्याज को अच्छे से मुझे ब्राउन करना है, बिल्कुल जैसे अभी तक मैंने गोल्डन ब्राउन किया ना, बिल्कुल इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया फ्रेंड्स, तो प्याज को ना बढ़िया तरीके से पूरा निकाल लेंगे, इसे प्याज को ज़्यादा छोड़ेंगे नहीं, वरना हमारे चावल जो है ना वो काले काले से हो जाते हैं, अजीब से होते हैं ना डार्क कलर के, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि हम लोग प्याज डाल देते हैं। गरम मसाला इसमें लिया है मैंने, काली मिर्च ली है और दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, तेज पत्ता लिया है, और काली इलायची होती है ना वो ली है। बस मटर अच्छे से बॉयल हो गए हमारे फ्रेंड्स, तो इसके बाद ना मटर को हमने इसी में ऐड कर दिया, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसमें नमक ऐड कर देंगे। कुछ भी इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है फ्रेंड्स, और बहुत ही लाजवाब बनता है। बस इसमें पानी ऐड कर देंगे, पानी अभी मैंने कम ऐड किया, बाद में चावल जब होंगे तब इसमें ऐड करेंगे। इधर हमारे पाए भी रेडी हो रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल, बस अच्छे से एक बहुत अच्छे से बॉयल जब आ जाएगा ना तो इसे सिम कर देंगे, सिम पे कर देंगे, और सिम पे भी आज से 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। इधर ना चिकन भी देख लेते हैं, और चिकन मेरा अच्छे से भुन चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए आप,
तो अब इसे ना थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स, और पानी ऐड करने के बाद इसे पकने के लिए फिर रखेंगे थोड़ी देर के लिए। और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए होगी उतनी हमने रख दी है और इसे कवर करके पकने के लिए रखेंगे। इधर देखिए पानी में बॉयल आ गया अच्छे से और मटर भी हमारे बहुत अच्छे गल चुके हैं। तो इसमें हमारे पास सेला चावल था तो वो भीगा हुआ था, 2 घंटे पहले मैंने भिगा दिया था, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और 4 गिलास मैंने चावल लिए हैं तो पानी फ्रेंड जाएगा 6 गिलास। तो ये मेरी नाप है पानी की, तो मैं इसी हिसाब से नाप के हिसाब से पानी ऐड करती हूँ। तो मैं 6 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी। देखिए आपको खुद देखने में लग रहा होगा पानी कम है, तो पूरे जब 6 गिलास पानी चले जाएंगे इसमें तो ये आराम से चावल पक जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज को खाना बनाया है और नमक थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर दिया। और ये हमारे प्याज जो फ्राई करे हुए रखे हैं, ये पाए का है और ये कोरमे का है और ये है चावल का जो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो ये दोनों को हमें पेस्ट बना लेना है, जिसकी हमने जो बड़ी इलायची यानी काली इलायची जो होती है ना उसे मैंने दोनों को छील के ही डाल दिया है, क्योंकि इसकी लकड़ियाँ ना बड़ी बड़ी सी होती हैं, वो खाने में आती हैं तो अच्छी नहीं लगती, इस बात का ख्याल रखें और बड़ी इलायची यानी काली इलायची को छील के ही इस्तेमाल करें। बस देखिए मैं अच्छे से इसका पाउडर फॉर्म में बिल्कुल बना लूँगी, बगैर पानी के हमें पीसना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना खाना बनने के बिल्कुल लास्ट में जाती हैं जब हम गैस को बंद कर देते हैं, तो इसलिए आप पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड ना करें और इसके बाद ही आप इसे सूखा बिल्कुल ड्राई यानी कि पीस लें। और फ्रेंड्स हमारा ना चिकन बहुत ही लाजवाब तरीके से बन के रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा सा कुक हुआ है। आप देख सकते हो बिल्कुल हड्डी ने गोश्त को छोड़ दिया, तो बस इसमें जादू की झप्पी डाल देंगे। यानी कि बिल्कुल इसे न्यू तरीके से बनाने के लिए मैंने इसमें डाला थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। ये डालने से ना मेरा चिकन का बिल्कुल टेस्ट और इसकी सब कुछ बदल गया, इसकी खुशबू, इसका टेस्ट सब कुछ चेंज हो गया फ्रेंड्स, बहुत लाजवाब बना था। तो बस इसमें ना जो पिसा हुआ प्याज है ना वो इसमें ऐड कर देंगे, पिसा हुआ प्याज और गरम मसाला दोनों चीज़ें हैं वो मैं इसमें शामिल करके और अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी। और ये बनके तैयार हो गया, लेकिन अभी इसमें कुछ और बाकी है, वो अभी और होगा, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने इसको इसके फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे कवर कर देंगे। इधर चावल भी देखिए, मैं चावल को अच्छे से चला, चावल को 3 से 4 बार तो चलाना है, एक बार अम्मी भी चला रही है मेरी बीच में आके, थोड़ी थोड़ी देर में हमें चला लेना है चावल को। और अब आती है चिकन की बारी फिर से, और देखिए मैंने रखा है इसमें स्मोकी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा कोयला और इसमें थोड़ा सा देसी घी रख दिया है ताकि अच्छे से इसमें स्मोक आ जाए। और इधर ना हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं दम लगने के लिए, तो मैं इसमें दम लगाऊंगी, थोड़ा सा इसमें मैंने फूड कलर ऐड कर दिया ताकि चावल हमारे और भी देखने में अच्छे लगें। और इधर ना बिल्कुल हमारे पाए भी रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, और इसमें मैं फिर से वही जो मैंने पीस के रखा है ना प्याज और सारा गरम मसाला वो मैं इसमें ऐड करूँगी। हाथों से मैंने क्रश करके डाला ताकि इसमें लम्स ना पड़े, तो मैं अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी। तो अम्मी ने तो ऐसे ही कुकर पकड़ के हिला दिया, लेकिन मैंने कहा चला देते हैं सही से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर, ये देखिए पाए माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने। कुछ लोग इसमें हरा धनिया शामिल करते हैं, लेकिन मैं बगैर हरा धनिया के इसे प्रेफर करती हूँ खाना लेकिन सना मेरी होती तो ना तो ज़रूर इसमें हरा धनिया ऐड करती। सारी चीज़ें बिल्कुल बनके कंप्लीट हो चुकी हैं फ्रेंड्स, खाना बिल्कुल रेडी है। तो खाना जहाँ जाना था मैंने वहाँ के लिए पैक भी कर दिया है फ्रेंड्स, और सारी तैयारियाँ हो गई हैं। तो मैं अब पढ़ूँगी मगरिब की नमाज़, जोहर से मैं लगी थी, मगरिब का टाइम हो गया फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स बस मगरिब की नमाज़ के बाद मुझे भी जाना है और फिर मैं तैयार हो गई हूँ, तो मैं जाने के लिए रेडी हूँ। ये मेरा लुक है और फ्रेंड्स अबाया रखा है, ये मैं थोड़ी देर में पहनूंगी। बस मैं बिल्कुल सिंपल से तैयार हुई हूँ। ये कपड़े ना मैंने इससे पहले भी एक बार पहने थे तो वो ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने सोचा एक बार और पहन लेती हूँ, इसके बाद वॉश करके रख दूँगी। तो बस मैंने इसमें वॉच पहन ली है और मैंने बाकी कुछ भी नहीं किया, मैं बिल्कुल सिंपल से तैयार हुई हूँ। तो बस जल्दी से अबाया पहनेंगे और इसके बाद ना, हाँ मैंने वॉच पहन ली, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखो मैंने वॉच पहनी है। ये वॉच पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, मैं हमेशा पहनती हूँ। और बस अबाया पहन लिया है मैंने, और अबाया पहनने के बाद मैं निकल रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।